हेलो एवरीवन, दिस इज अंशुमन एंड वेलकम टू राइट वे ट्रेडिंग। स्वागत है आपका हमारे इस ईगल आई व्यू सीरीज के नए एपिसोड में। अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ईगल आई व्यू एक ऐसी सीरीज है जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग के कुछ अच्छे स्टॉक्स आप लोगों के लिए लेके आते रहता हूँ, जो आने वाले समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। याद रखिएगा, ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको इन स्टॉक्स में बाइंग करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद या फिर खुद से एनालाइज करने के बाद ही बाय करें। तो आज का जो हमारा पहला स्टॉक है वो है TBZ, त्रिभुवनदास भीमजी झवेरी। अगर आप इस स्टॉक को देखो तो इस स्टॉक को मैंने एकदम सिंपल बेसिस पे सेलेक्ट किया, मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से समझा दूंगा। अगर आप इस एरिया को ध्यान से देखो, प्राइस जब इस एरिया के लो बनाने के बाद जब प्राइस बाउंस कर रहा था ना, तो उसने देखो ये जो इसका प्रीवियस एरिया था ना, जहां से प्राइस प्रीवियसली सपोर्ट लेके बाउंस किया था, अगर आप देखो यहाँ पे इसने जो प्रीवियसली लो लगाया था ना 86 के आसपास का 2012 में, उसके बाद जो उसने हाई लगाया था 2012 में नियर अबाउट 300 रुपीज के आसपास का, उसके बाद देखो प्राइस कंटिन्यूअसली एक डाउन ट्रेंड का स्टॉक बन चुका है। तो ये जो भी है हमने सेकंड लोअर हाई के साथ मिलाते हुए ये ट्रेंड लाइन मार्क करा है, और देखो प्राइस जब भी उस ट्रेंड लाइन के आसपास आया वहीं से रिजेक्ट करा है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे ध्यान से एक चीज समझने की कोशिश करो। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप इस चार्ट को देखो ना, ये देखो यहां से प्राइस कंटिन्यूअसली रिजेक्ट हो रहा था। ये देखो 83 का प्राइस है, और पुराने समय में भी देखो 83 का प्राइस एज अ सपोर्ट काम किया। और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं, जब भी सपोर्ट ब्रेक होता है डाउन साइड, वो एज अ रेजिस्टेंस काम करने लगता है, और जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है डाउन अप साइड, तो देखो वो एज अ सपोर्ट काम करने लगता है। देखो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, सपोर्ट ब्रेक हुआ, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अभी देखो ये क्या कर रहा था, अभी इसने देखो मंथली टाइम फ्रेम पे इसने ब्रेकआउट दिया था नियर अबाउट 2021 के आसपास, रिटेस्ट किया, उसके बाद दोबारा वो जो उसका प्रीवियस लो था ना उसी एरिया के आसपास से रिटेस्ट करके ये हाइस को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, जो उसका वीकली का अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। ठीक है, तो अब इस स्टॉक में जो मेरे आने वाले पर्टिकुलर टारगेट्स होने वाले हैं, इस पर्टिकुलर स्टॉक में जो मेरे आने वाले टारगेट्स होंगे वो होगा मेरा 115 का पहला टारगेट, सेकंड टारगेट होगा मेरा 135 के आसपास। अगर हम इसके फंडामेंटल यहाँ पे थोड़ा क्विकली रिव्यू कर ले, तो यहाँ पे देखो मार्केट कैप सिर्फ 624 करोड़ के आसपास का है, स्टॉक का पी यहाँ पे 12.7 का है, इंडस्ट्री पी यहाँ पे 28.8 का है। इंडस्ट्री पी के हिसाब से स्टॉक अभी काफी अंडर वैल्यूड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे 8.60% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 7.39% के आसपास का है। फ्री कैश फ्लो यहाँ पे कंपनी के पास 85.6 करोड़ का है, नेट प्रॉफिट एनुअली यहाँ पे 40 करोड़ के आसपास का है, नेट प्रॉफिट क्वार्टरली यहाँ पे 11 करोड़ के आसपास है, डेट है कंपनी के ऊपर 575 करोड़ का, डेट टू इक्विटी यहाँ पे मोर देन 1 है। तो अगर डेट टू इक्विटी के हिसाब से देखूं तो थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है मुझे यहाँ पे, अगर इसके हिसाब से देखूं तो मैं बोल रहा हूँ। प्रोमोटर होल्डिंग अगर आप यहाँ पे देखो तो 74.1% की है, जो कि काफी अच्छी बात है। इसको चेक करने के पहले अगर हम यहाँ पे इसके थोड़ा सेल्स वगैरह चेक कर ले, सेल्स वगैरह हम लोग क्वार्टर्स में चेक करें तो देखो यहाँ पे हमें सेल्स कंटिन्यूअसली बढ़ते हुए दिख रहे थे, बट रिसेंटली मार्च 2023 में थोड़ा सा कम हुआ था, बट अभी फिर हमें ग्रो होते हुए दिख रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो यहाँ पे थोड़े से ये दिसंबर के बाद घटते हुए दिखे थे, बट अभी फिर इस बार 1 करोड़ का यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखो, नेट प्रॉफिट यहाँ पे हमें कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ दिख रहा था, अभी यहाँ पे थोड़ा सा घटता हुआ दिखा है। जिन लोगों को ये नहीं पता है ना कि ये किस चीज की कंपनी, मैं ये बता दूं कि ये ज्वेलरी की कंपनी है, ज्वेल्स वगैरह डिजाइन करती है कंपनी। ठीक है, प्रोमोटर्स अगर आप यहाँ पे देखो ना, प्रोमोटर्स यहाँ पे 74.12% की हिस्सेदारी यहाँ पे कंटिन्यूअसली एक्वायर करके बैठे हुए हैं। FIS के पास देखो यहाँ पे 0.56% की हिस्सेदारी है, थोड़ा सा उन्होंने घटाया है। DIS के पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पब्लिक के पास यहाँ पे 25.31% की हिस्सेदारी है। तो ओवरऑल स्टॉक फंडामेंटल हिसाब से भी मुझे अच्छा लग रहा है, और टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से भी मुझे अच्छा लग रहा है, इसीलिए जो आज का हमारा पहला स्टॉक होगा वो है TBZ। तो आज का जो हमारा दूसरा स्टॉक है वो है बालाजी टेलीफिल्म्स। बालाजी टेलीफिल्म्स को मैंने क्यों चूज किया, अगर आप यहाँ पे इसे ध्यान से देखो ना, एकदम सिंपल तरीके से मैंने इस पे एनालिसिस किया है। अगर आप इसके मंथली टाइम फ्रेम के ये ट्रेंड लाइन जो मैंने बॉटम से मार्क किया ना, देखो प्राइस इस एरिया से लो लगाने के बाद जब प्राइस ऊपर गया ना, एग्जैक्ट उसी एरिया के आसपास प्राइस बाउंस किया, तो ये सेकंड हायर लो को मिलाते हुए मैंने ट्रेंड लाइन को मार्क करा, फिर वहीं पे आया प्राइस ऊपर गया, उसके बाद फिर वहीं से ऊपर, और कंटिन्यूअसली देखिए मल्टीपल टाइम वहां से हमें बाउंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो ना, ये मैंने मंथली को मिलाते हुए ट्रेंड लाइन मार्क किया जहां से हमें प्राइस कंटिन्यूअसली रिजेक्ट होता हुआ दिख रहा है। तो अगर डेली टाइम फ्रेम में मैं इस चार्ट को देखू ना, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये जो ट्रेंड लाइन है ना अभी इस एरिया के आसपास है, और मुझे लगता है अगर ये मंथली टाइम फ्रेम पे इस एरिया तक भी एक बार रिजेक्ट होने आता है ना, तो भी ये जो मैंने दोनों टारगेट्स आपको बताए हैं ना वो आपको मीट होते हुए दिखेंगे। तो हमारा जो इस पर्टिकुलर स्टॉक का पहला टारगेट होगा वो होगा 61 के आसपास का, और सेकंड टारगेट होगा हमारा 57 के आसपास का। ठीक है, और इस पर्टिकुलर स्टॉक में अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस कर ले, बालाजी टेलीफिल्म्स जिन्हें नहीं पता,
जितने भी मतलब हमारी मदर लोग जो भी हैं सब घर में लेडीज, तो वो लोग बचपन से सीरियल्स वगैरह देखती आई हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अलग अलग तरीके के, आप वो बोलो ऑल्ट बालाजी बोल लो या फिर जितने भी तरीके के सीरियल्स बोल लो, वो सारे बालाजी टेलीफिल्म्स के अंडर ही आते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसका मार्केट कैप देखो तो 590 करोड़ के आसपास का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे माइनस में है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी यहाँ पे माइनस में है, इंडस्ट्री भी यहाँ पे 45.5 का दिखा रहा है, उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ नंबर ही नहीं दिख रहे, मतलब नंबर हमें यहाँ पे काफी नेगेटिव देखते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। प्रोमोटर होल्डिंग अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली जाकर चेक कर ले तो यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग देखो 34.34% की है। FIIs के पास देखो यहाँ पे 18.28% की हिस्सेदारी थी, अभी इन्होंने रिसेंटली हिस्सेदारी बढ़ा के उसे 18.39 के आसपास कर लिया है, ठीक है। DIIs के पास आप देखो कोई भी हिस्सेदारी नहीं है, पब्लिक के पास यहाँ पे 47.26% की हिस्सेदारी है। पब्लिक में अगर आप देखो तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास यहाँ पे 25% की हिस्सेदारी है, जो कि मामूली बात नहीं है। इस पर्टिकुलर स्टॉक में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी इन्वेस्टमेंट करके रखा है, इसीलिए मैं जब भी बोलता हूं आप लोगों को कि जब भी मैं फंडामेंटल एनालिसिस करता हूं ना, जब आप लोगों को छोटी छोटी चीजें बताता हूं ना, आप लोग उन चीजों को देख के सीखा करो, मैं जो बोल रहा हूं उस चीज को समझा करो, तब आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। और भी यहाँ पे मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं जो बाय करके बैठे हुए हैं। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक को अगर मैं नंबर्स वाइज बताऊं तो मुझे काफी बुरा लग रहा है, बट अगर यहाँ पे मैं FIIs के नंबर्स देखूं, यहाँ पे रिलायंस का यहाँ पे एक्वायरिंग जो परसेंटेज था वो देखूं, प्रोमोटर्स के यहाँ पे होल्डिंग देखूं, उसके हिसाब से मुझे ये नॉर्मल लग रहा है। और अगर मैं इजी वे में बोलूं तो ये दो टारगेट्स मुझे आने वाले समय में मीट होते हुए दिख रहे हैं, और अगर इस एरिया को प्राइस ब्रेक करता है तो हमें ये सारे लेवल्स भी मीट होते हुए दिख जाएंगे, और आने वाले समय पे ये बहुत ऊपर जा सकता है, क्योंकि देखो इसके पास स्पेस बहुत है। वो एक ट्रेंड लाइन हो गया, और दूसरा ट्रेंड लाइन अगर मैं इस तरीके से मार्क करूं ना, ये देखो इस तरीके से मैं लाते हुए मार्क करूं ना, तो अगर यही एरिया को ब्रेक करता है ना तो यही एरिया तक भी जा सकता है, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट डबल होने का उसके अंदर पोटेंशियल है। तो अगर आपको देखना है तो आप अपने हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड डिसाइड करके आप स्टॉक को देख सकते हो, ठीक है। तो आज का जो हमारा थर्ड स्टॉक है वो है जोडिया क्लोथिंग। जोडिया क्लोथिंग को मैंने क्यों सेलेक्ट किया, अगर आप स्टॉक को ध्यान से यहाँ पे देखो, इसमें भी सेम तरीके की एनालिसिस ही मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये देखो प्राइस क्या कर रहा था, प्राइस इस एरिया से यहाँ पे रजिस्टर होने के बाद, इसने ये लो लगाने के बाद, ₹6 का लो लगाने के बाद, इसने देखिए इस एरिया से यहाँ पे इसमें एक रिजेक्शन आया था, 81.25 का प्राइस है वो, ठीक है। रिजेक्शन आने के बाद देखिए प्राइस ने जब उस एरिया को ब्रेक किया ना, वहीं से सपोर्ट लेके प्राइस बाउंस किया, दोबारा फिर वहीं से सपोर्ट लेके प्राइस बाउंस किया। बाउंस करने के बाद ये जो उसने हाई लगाया है नियर अबाउट 455 के आसपास का, उसके बाद देखिए प्राइस कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है, ठीक है। देखिए इस ट्रेंड लाइन के साथ मैंने मिलाते हुए मार्क किया, कंटिन्यूअसली प्राइस फॉल कर रहा है, और अभी वो देखिए बॉटम से डबल बॉटम बनाने के बाद सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पे और एक चीज दिख रहा है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर आप इस तरीके से इस चार्ट को देखो, अगर आप ऐसे एक ट्रेंड लाइन मार्क करो तो देखो यहाँ पे मुझे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट के बाद एंट्री दिख रही है, ठीक है। बट इस एरिया को कहीं ना कहीं मैंने मिस कर दिया है, तो अभी उसके पीछे हम नहीं भागेंगे। बट अब यहाँ पे अगर आप इस चीज को ध्यान से समझो ना, ये देखो ये एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस था, ये देखो रेजिस्टेंस ब्रेक यहीं पे कॉन्सोलिडेट, और इसके बाद देखो प्राइस ऐसे करके ट्रेंड लाइन को मार्क करता हुआ आ रहा था, और उसके बाद देखो ब्रेक करके यहां से सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में मेरे जो आने वाले टारगेट्स होने वाले हैं वो होगा, मेरा पहला टारगेट होगा 139 के आसपास का, सेकंड टारगेट होगा मेरा 163 के आसपास का। जैसे कि मैंने बालाजी टेलीफिल्म्स में बताया, सेम इसमें भी मैं वही बोलूंगा, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो आने वाले समय में ये इन टारगेट्स के पीछे भी जाता हुआ मुझे दिख जाएगा, इसमें मुझे कोई ताजुब की बात नहीं लगेगी। अगर मैं इसके फंडामेंटल्स क्विकली चेक कर लूं, फंडामेंटल्स यहाँ पे देखिए मार्केट कैप बहुत ही छोटा है, 326 करोड़ की कंपनी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस में है, स्टॉक भी दिख ही नहीं रहा है, नंबर्स इसमें काफी नेगेटिव दिख रहे हैं मुझे, डेट टू इक्विटी यहाँ पे देखो 0.23% का है, लेस देन 1 है, तो ये थोड़ी अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट क्वार्टरली यहाँ पे प्लस में है, नेट प्रॉफिट एनुअली भी प्लस में है। प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे देखो बहुत अच्छी लग रही है मुझे, 71.4% की होल्डिंग है। उसके पहले अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा सेल्स वगैरह देख ले, इसके सेल्स वगैरह कैसे चल रहे हैं, सेल्स वगैरह आप यहाँ पे देखो तो धीरे धीरे हमें इसके सेल्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अभी रिसेंटली क्वार्टर में इन्होंने थोड़ा सा 4 करोड़ के आसपास का कम यहाँ पे सेल रजिस्टर किया, जून का अभी तक यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप यहाँ पे देखो तो माइनस में चल रहा है, जो कि कंपनी का मेन बिजनेस होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ भी माइनस में है, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखो कंटिन्यूअसली हमें क्वार्टरली माइनस में दिख रहा था, बट इस बार हमें 33 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिला है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टर्स चेक करें तो इन्वेस्टर्स में देखो प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे क्या है, 71.40% की प्रोमोटर होल्डिंग है, और उसके बाद देखो अभी वही सेम प्रोमोटर होल्डिंग लास्ट दो क्वार्टर से
प्रोमोटर्स होल्ड करके चल रहे हैं। FIS के पास यहाँ पे ज्यादा होल्डिंग नहीं है, सिर्फ 0.04% की हिस्सेदारी है जो कि काफी नॉमिनल है। पब्लिक के पास यहाँ पे देखो 28.55% की हिस्सेदारी है। अब पब्लिक में यहाँ पे ऐसे कोई खास बड़े लोग नहीं है, बट कुछ ऐसे लोग हैं जो थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो नंबर्स वाइज ये स्टॉक मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा, बट प्रोमोटर होल्डिंग इसमें काफी स्ट्रांग है। और आप ये हमेशा जान लेना कि जब भी कोई फॉलिंग स्टॉक में प्रोमोटर्स अपने स्टॉक को लेके बैठे हुए ना, इसका मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म में उन्हें पिक्चर पता है कि वो अपने स्टॉक को कहां तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में मेरे ये दो टारगेट थे आने वाले। तो आज का मेरे तीन स्टॉक वही थे, पहला स्टॉक था मेरा TBZ, दूसरा स्टॉक था हमारा बालाजी टेलीफिल्म्स, और तीसरा स्टॉक था हमारा जोडियक क्लोथिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग के दो स्टॉक्स के वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आते रहता हूँ। साथ ही साथ मैं वीकली चार्ट बस्टर में आप लोगों के साथ एवरी वीक संडे को दो स्टॉक शेयर करता हूँ। साथ ही साथ अभी से मैंने इस मंथ से मंथली ब्लॉकबस्टर्स के भी मैंने सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैं मंथ में सिर्फ एक चार्ट लेके आऊंगा जो आने वाले साल डेढ़ साल में आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकते हैं। वो प्रॉपरली इन्वेस्टिंग रिलेटेड सीरीज है वो, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप चाहो तो हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम में देखो मैं जो भी स्टॉक्स मुझे अच्छे लगते हैं उन स्टॉक्स के नाम मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहता हूं, और जैसे जैसे वो आने वाले समय में ऊपर जाते हैं मैं उसमें अपडेट्स वगैरह देने की आपको कोशिश करता हूं, ठीक है। तो यही थे आज के मेरे तीन स्टॉक। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर पेरेंट्स। जय हिंद, वंदे मातरम।